नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एमपी में आज कई जगह पर हादसे हुए और इन हादसों की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहला हादसा पन्ना में हुआ, जहां यात्री बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 24 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा दमोह में हुआ, जहां महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 20 लोग इसमें घायल हो गए। चौथा हादसा धार में हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 11 यात्री घायल हो गए। तीसरा हादसा रीवा में हुआ, जहां बस के ब्रेक फेल हो गए और वो पेड़ से जा टकराई, बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। दरअसल पांचवा हादसा सिवनी में हुआ है, जहां यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और झाबुआ से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कलमोड़ा पारा मार्ग पर यात्री बस पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। दरअसल कलमोड़ा से पारा ये बस आ रही थी, पारा चौकी इलाके के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये दुर्घटना हुई है। यात्री बस के पलट जाने से यह हादसा पेश आया। आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें, हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। हादसों का दिन आज रहा है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, बस पलटी हुई है सड़क के किनारे और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्री बस के पलट जाने से झाबुआ से ये तस्वीर सामने आई है। और आप देखिए तस्वीर, हादसे के बाद सड़क के किनारे जो एक कम गहरी खाई नुमा सड़क के किनारे का जो हिस्सा है या खेत, ये जो भी जगह है, वहां पर बस पलट गई है अनियंत्रित होकर। कैसे क्या हुआ इसके बारे में और डिटेल आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से मौके पर कुछ स्थानीय लोग और पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस हादसे को लेकर लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये कलमोड़ा पारा के मार्ग पर हादसा हुआ है। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के निर्वाचन आयोग से शिकायत के बाद अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी कलेक्टर से मांगी है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ये अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वो 3-tier व्यवस्थाएं, पहले उसमें सीएपीएफ का बल लगा है, दूसरे उसमें हमारा एसएफ का गार्ड लगा है और तीसरे में डीएफ की व्यवस्था है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैरिकेटिंग हो चुकी है, जो कार्डन उसको अलग अलग, जैसे अभिकर्ताओं का अलग कार्डन है और हमारे जो ईवीएम की जो मशीन आएगी उसका एक अलग रास्ता तय किया है। तो वो हम पूरी तरह उसको बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं और कंप्लीट व्यवस्था की जा रही है और लगभग सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे जो पहले से लगे हैं 32 कैमरे और इसके सिवाय 42 कैमरे और लगाए जा रहे हैं, ताकि जो मतगणना के दिन जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो जो उसके नॉर्म्स है, देखने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है।
सिर्फ उनकी विधानसभा वार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दसेरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था, उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है, किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, जिसमें वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था कैदी का, उसे खुलवा लिया, उसमें गड्डियां बनाई जा रही है, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर हो रही है, जिससे कि पोस्टल बोर्ड से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने संख्या पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना सरकार नहीं कर सकते। इसमें चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एमपी में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं इसको लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, आइए दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब इंतजार है काउंटिंग का, यानी कि परिणामों का। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी रणनीति अभी भी तैयार कर रही हैं कि काउंटिंग वाले दिन जो परिणाम आएंगे उनको किस तरीके से डील करना है। और दोनों का दावा है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया हमारे साथ हैं। लंबा संघर्ष करा, चुनाव आपने भी लड़ा और इसके साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में स्वाभिमान यात्रा की बात हो या फिर अलग अलग आंदोलन चलाने की बात हो, कैसा जनता का रिस्पॉन्स रहा इस दौरान? देखिये, ये चुनाव एक जबरदस्त हटकर चुनाव था और ये चुनाव में जो जिस तरह से जनता कांग्रेस के साथ आई, क्योंकि उनको इतना भरोसा था कि कांग्रेस ही एक ऐसी ऐसा दल है जो पूरी ताकत से उनके लिए लड़ाई लड़ सकता है जमीन पर, जिसने लड़ाई लड़ी। क्योंकि पिछले 18 साल से आप देखें, हम लोग ने ऐसा कोई आंदोलन या फिर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हमने जमीन पर या रोड पर आकर, सड़कों पर आकर हमने लड़ाई नहीं लड़ी। यूथ कांग्रेस के माध्यम से सब आंदोलन बड़े बड़े करे, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर आंदोलन हो, चाहे किसी पर अत्याचार को लेकर आंदोलन हो, तो ये एक जो नई युवा शक्ति और जो नई युवाओं को रिप्रेजेंटेशन पार्टी में जो तवज्जो दी जा रही है, तो डेफिनेटली वो वोट में भी टर्न होगा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस बार भोपाल जिले के चुनाव परिणाम आने में देरी नहीं करना होगा, परिणाम के लिए इंतजार, दरअसल रात तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मतगणना जल्द खत्म होगी और तुरंत ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर काउंटिंग टेबल बढ़ाए जाने की बातें कही जा रही हैं और टेबल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान, ज्यादा मतदान केंद्र होने के चलते परिणाम आने में देरी हो जाती है, रात हो जाती है, काउंटिंग टेबल बढ़ाकर जल्द से जल्द गिनती को पूरा किया जाएगा, मतगणना को पूरा किया जाएगा। फिलहाल काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स लगाई जा रही हैं और इन टेबल्स को बढ़ाया जा सकता है, टेबल बढ़ा करके काउंटिंग जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी, इसकी जानकारी अभी मिल रही है। ज्यादा मतदान केंद्रों की वजह से कई बार देरी हो जाती है, अधिकारियों का इस पर कहना है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब टेबल्स बढ़ा करके काउंटिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। खबर ग्वालियर से, जहां मतदान के बाद से ही प्रत्याशी मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं मध्यप्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी किस तरह इंतजार में वक्त काट रहे हैं। इंतजार है
और ये भी सही है कि इंतजार बड़ा कठिन भी होता है, लेकिन मैं तो पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ। समय मिलता है तो अपने साथियों के बीच में बैठ के सबसे मिलता जुलता हूँ। थोड़ा बहुत समय मिला तो बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, जो भी है प्रक्रिया अपनी चलती रहती है, लेकिन इंतजार तो इंतजार है। ईश्वर से हाँ हाँ बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे और जनता जनार्दन की। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, दुकानदारों के बीच मारपीट, फल की दुकान लगाने को लेकर विवाद, मारपीट का वीडियो सामने आया, परासिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। राजेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश, ये मारपीट का जो मामला सामने आया, क्या कारण बताया जा रहा है, आखिर क्यों विवाद हुआ? ये देखिए, ये परासिया थाने से कुछ ही दूरी का ये मामला है, वहां फल और फ्रूट्स की दुकानें लगती हैं, उसको लेकर दो दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। दुकान किसकी कहां लगेगी इसको लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। ये विवाद आज इतना बढ़ गया कि दोपहर के समय दोनों पक्ष एक दूसरे से विवाद करने लगे, बहस हुई और बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लठ चले हैं दोनों पक्षों के बीच और 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है और इसके अलावा जांच की जा रही। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। राजेश आपसे बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, शहडोल में पटवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हत्या के आरोपी के अवैध रेत स्टॉक पर पुलिस ने देर रात छापा मारा। मैहर जिले के कुबरी सोन नदी में आरोपी रेत स्टॉक करके रखे हुए था। पुलिस ने दबिश देकर 8 डंपर रेत जब्त किया है यहां से। तो वहीं रेत के अवैध कारोबार करने वाले, इस कारोबार को संचालित करने वाले पवन सिंह को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने अवैध रेत के कारोबार से जुड़े 8 रेत माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 अन्य ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और टीकमगढ़ में सुजारा बांध की नहर को लेकर अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुजारा बांध नहर के कई तहसीलों से ये गुजरती है, लेकिन पलेरा तहसील के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जब सुजारा बांध के अधिकारियों पर आरोप लगने लगे, तब जांच की गई तो एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये कि करीब 10 फीट नीचे गहराई में होते हुए भी उसमें कई कनेक्शन पाए गए। कनेक्शन धारी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मामले की शिकायत बम्होरी कला थाने में की गई। आपको ये भी बता दें कि भूमि की सिंचाई के लिए 183 गांवों के अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके गांव के लोगों को सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिल रहा था। पानी यूपी में चोरी किया जा रहा था। सतना जिले के मझगवां कस्बे में तनाव फैला हुआ है। दरअसल 23 नवंबर को स्कूल के लिए निकली 15 साल की स्कूली छात्रा लापता हो गई। छात्रा के परिजनों ने गुमशुदगी की मझगवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 दिन बाद लापता छात्रा कस्बे में एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के घर मिली और पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के माता पिता अंडरग्राउंड होकर दूसरे समुदाय के घर पर नाबालिग लड़की के मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, लव जिहाद का मामला दर्ज करने का दबाव बनाया। इसके बाद आरोपी के घर और घर के आसपास की स्थित कबाड़ के गोदाम को आग लगा दी और आगजनी की इस घटना को लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले से जोड़कर कहा जा रहा है। और शिवपुरी के भौती थाना क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट कृष्णपाल सिंह चौहान का शव मिलने के बाद अब पुलिस ने मौत की गुत्थी भी सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति न बने इसके चलते पुलिस ने रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप कर जेल भेज दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग बहुत ही थाना पहुंचे और जाम लगा दिया। उनका कहना था कि आरोपियों के घर तत्काल बुलडोजर चलाया जाए और सभी आरोपियों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया जाए। और इतना ही नहीं, परिजन कुछ पुलिस कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी संदिग्ध उन्हें मान रहे हैं और निलंबित किए जाने की मांग पड़ने बाद में एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने आश्वासन देकर जाम को खुलवाया है। देश में चीतों के नए ठिकाने, मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक बड़ा उत्सव मनाए जाने की तैयारी। दरअसल 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव में देश दुनिया से पर्यावरण और वन्यजीव विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कोई भी बुकिंग करा सकता है। 6 दिवसीय कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है, इसमें पर्यटक ठहर सकेंगे। टेंट सिटी फेस्टिवल के बाद भी 10 साल के लिए रहेगी। अनूपपुर में मौसम के बदलते तेवर को आप महसूस कर सकेंगे जब बूंदाबांदी के बाद ठंड बढ़ेगी। जी हाँ, तेज बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट इसके चलते आ रही है और बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब होने का डर लगातार बना हुआ है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेने 30 नवंबर को दुबई पहुंचेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित कई राष्ट्र प्रमुख और विश्व नेता हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार सहित लोकल क्लाइमेट एक्शन में इंदौर के योगदान पर प्रेजेंटेशन के लिए महापौर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। भार्गव लोकल क्लाइमेट एक्शन समिट में इंदौर की इस सफलता के और अनुभवों के बारे में बात रखेंगे। वर्ल्ड एक्शन क्लाइमेट समिट जो कि COP28 का ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो दुनिया भर के क्लाइमेट इश्यूज पर बात करता है, चिंता करता है और उसके हल खोजने का भी काम करता है। और मुजफ्फरनगर में फैशन शो के दौरान कुछ मुस्लिम लड़कियों ने रैंप पर बुरके में कैटवॉक किया। श्रीराम कॉलेज में फैशन शो हुआ और अभिनेत्री मंदाकिनी भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी। दरअसल रैंप पर बुरका नर्सी का कैटवॉक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैम हाथ लगा लीजिए, सीधा करो मैम। क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके, तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे। फैशन में भी आ सकता है बुरका, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुरका। और उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल मामले पर NDRF क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। इस समय है इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें, बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। अब देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे, कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग,
जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है. तो द फर्स्ट थिंग वॉज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियन एयरफोर्स का काम, NDRF का, जो जिसकी दो टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट दी NDRF हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें, राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, SDMA, SDRF, उत्तराखंड की SDRF जो है बड़ी मानी हुई SDRF है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्यूट. और अब नजर डालेंगे 2020 खबरों पर. पटवारी हत्याकांड मामले में शहडोल के पटवारी लामबंद, कलेक्टर को ज्ञापन देने जिले भर से जुटे पटवारी, व्यवहारी, SDM और तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप. बालाघाट में डाक मतपत्र का वीडियो वायरल को लेकर कलेक्टर का बयान, वायरल वीडियो को बताया भ्रामक, डाक मतपत्र से नहीं की गई कोई छेड़छाड़. खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में एक उड़ीसा से दर्शन करने आए श्रद्धालु का मोबाइल दान पेटी में गिरा, विशेष परिस्थिति में दान पेटी खोलकर मोबाइल लौटाया गया. अल्मोड़ा पारा मार्ग पर यात्री बस पलटी, हादसा, एक दर्जन से अधिक लोग हुए घायल. सागर में इको वैन में लगी आग, आग लगने की वजह से वैन जलकर राख, जलती हुई वैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. चीतों के नए घर कूनो नेशनल पार्क में बड़ा उत्सव मनाए जाने की तैयारी, 17 से 23 दिसंबर तक मनाया जाएगा चीता उत्सव. देश दुनिया से पर्यावरण और वन्यजीव विशेषज्ञों के लोगों को आमंत्रित किया गया. इंदौर महापौर विश्वमित्र भार्गव विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लेने हिस्सा, दुबई पहुंचेंगे, इसमें PM मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित कई राष्ट्र प्रमुख और विश्व के नेता हिस्सा लेंगे. खंडवा के ओंकारेश्वर में पंचकोशी यात्रा का हुआ समापन, देवठानी 11 से यात्रा हुई थी शुरू. धार में बस ने वाहन को मारी टक्कर, 11 यात्री घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी. सिवनी में यात्री बस स्कूल बस में टक्कर, बाल बाल बचे, स्कूल के बच्चे और यात्री, दोनों बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल. इंदौर महापौर 2 दिसंबर को दुबई में विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, दुबई में इंदौर की उपलब्धि का राज बताएंगे महापौर. PM मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई विश्व के नेता होंगे शामिल. रीवा में पेड़ से टकराई बस, बस में सवार 15 यात्री घायल, बस में फंसी रही एक नर्सिंग छात्रा, पुलिस ने गैस कटर इस्तेमाल कर निकाला बाहर. बालाघाट की घटना के बाद चुनाव आयोग सक्रिय, MP में सभी स्ट्रांग रूम पर सीनियर अफसर रख रहे नजर. जबलपुर में सिविक सेंटर के पास चाकूबाजी, लड़के को मारा चाकू, युवक की हत्या, पुलिस ने तनाव के देखते हुए पुलिस बल तैनात किया. भोपाल में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, 10 साल में सबसे ज्यादा 8.8 मिलीमीटर इन दिनों में हुई बारिश, पारा लुढ़ककर हुआ 20 डिग्री सेल्सियस. शहडोल में पटवारी हत्या के विरोध में प्रदर्शन, हत्या के आरोपी के अवैध स्टॉक पर पुलिस ने की कार्रवाई. दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हादसा, महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा. ग्वालियर में डेंगू के 29 नए मरीज मिले, जिला अस्पताल में 65 सैंपल्स की हुई जांच, 10 बच्चों सहित 29 जिलों में डेंगू की पुष्टि हुई है. उत्तरकाशी में पूरा होने वाला है सबसे बड़ा ऑपरेशन, टनल में पाइप डालने का काम हुआ पूरा, किसी भी वक्त बाहर आ सकते मजदूर. और कुछ ही समय मजदूर आएंगे बाहर, टनल के बाहर लगाई गई एम्बुलेंस, मजदूरों के
बेहद करीब पहुंची रेस्क्यू टीम। खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।